आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड शाम की खबरें। श्रीनगर में दिखा योगी का क्रेज, 2.5 घंटे लेट पहुंचे फिर भी नहीं टूटा श्रोताओं का सब्र, जयकारों से हुआ स्वागत। श्रीनगर गढ़वाल में योगी आदित्यनाथ का क्रेज देखने को मिला है। लोग योगी आदित्यनाथ की एक झलक पाने के लिए घंटों इंतजार करते रहे। 2.5 घंटे लेट श्रीनगर पहुंचने के बाद भी योगी आदित्यनाथ की जनता से गर्मजोशी से अभिवादन किया। भाजपा के मैनिफेस्टो को कांग्रेस ने बताया जुमला, कहा लुभावनी बातें कर जनता को भूल जाती है। श्रीनगर गढ़वाल में योगी आदित्यनाथ की चुनावी रैली, आंकड़ों से गिनाई मोदी सरकार की उपलब्धियां, 400 प्लस का दिया नारा। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज उत्तराखंड दौरे पर रहे। इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने श्रीनगर में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। योगी आदित्यनाथ ने उत्तराखंड की जनता से बीजेपी को बंपर वोटों से जिताने की अपील की। देहरादून में 19 मिनट के भाषण में योगी ने दिखाए आक्रामक तेवर, पंचकमल खिलाने का दिया संदेश, जीत का गणित भी बताया। देहरादून में योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान योगी ने वोटिंग के दिन का गणित भी जनता को बताया। योगी ने कहा 3 घंटे में जनता को 50% मतदान करना है, अगर ऐसा होता है तो घर में हर हर बम बम के साथ फिर से मोदी सरकार का रास्ता खुल जाएगा। 6 गांवों के ग्रामीणों ने लोकसभा चुनाव के बहिष्कार का किया ऐलान, एथेनॉल प्लांट के विरोध में लिया फैसला। कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश जोशी के समर्थन में जनसभा आयोजित, यशपाल आर्य ने बीजेपी पर साधा निशाना। धोखाधड़ी के आरोपी में मिनी बैंक संचालक गिरफ्तार, 14 ग्राहकों के खाते से उड़ाए 10 लाख। 5 सफाई कर्मचारियों के भरोसे रहेगी गंगोत्री और यमुनोत्री धाम की सफाई व्यवस्था, बढ़ सकती है चुनौतियां। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में ठोस कूड़ा प्रबंधन की व्यवस्था 5 कर्मचारियों के हवाले है, जबकि गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट 10 मई को खुलने जा रहे हैं, जिसके बाद दोनों धामों में सफाई व्यवस्था एक बड़ी चुनौती बनी रहेगी। बेकाबू डंपर सड़क पर पलटा, बाल बाल बची राहगीरों की जान, देखिए रोंगटे खड़े करने वाला वीडियो। ऋषिकेश में तेज रफ्तार डंपर पलट गया, जिससे ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों समेत राहगीरों की जान जाते जाते बची, जबकि डंपर चालक और हेल्पर घायल हो गए। खानपुर में कच्ची शराब के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार, रुद्रपुर में दबंगों ने फोड़ा युवक का सर। हरिद्वार जिले के खानपुर के बादशाहपुर गांव में पुलिस की टीम ने देर रात छापेमारी की कर कार्रवाई को अंजाम दिया, जहां पुलिस ने 2 लोगों को 150 लीटर कच्ची शराब और उपकरणों के साथ दबोचा। वहीं रुद्रपुर में पुरानी रंजिश को लेकर युवक पर हमला करने का मामला सामने आया है। वंशीधर भगत के विपक्ष को बताया छुप भया और सांप नेवला, कहा उठाकर सीमा पार फेंकना। श्रीनगर रुड़की के बाद चुनाव प्रचार को धार देने दून पहुंचे सीएम योगी, जनता से मांगे 5 कमल। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज राजधानी देहरादून में चुनाव प्रचार को धार देने पहुंचे। इससे पहले उन्होंने श्रीनगर गढ़वाल रुड़की में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। दर्दनाक हादसे ने छीन ली 4 युवकों की जिंदगी, जल लेने गए थे मौत के मुंह में समा गए। प्रदेश में इस बार ज्यादा भड़क रही जंगल की आग, पिछले साल की तुलना में 89 अधिक मामले आए सामने। तमाम क्षेत्रों में सिविल क्षेत्र से आरक्षित वन क्षेत्र में आग पहुंच रही है। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि विभाग की ओर से जंगलों की आग बुझाने के लिए सूचना मिलते ही विभाग की टीम को मौके पर भेजा जा रहा है। पोस्टल बैलेट से 94% मतदान, 60 लाख को दिलाई गई शपथ, 75% वोटिंग का की लक्ष्य। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर VVRC पुरुषोत्तम ने कहा कि अब की बार 75% मतदान का लक्ष्य रखा गया है, चुनाव तैयारियां पूरी है। राज्य में पोस्टल बैलेट में से 94% मतदान हो चुका है। शनिवार को मीडिया से बातचीत में मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर VVRC पुरुषोत्तम ने बताया 60 लाख से अधिक मतदाताओं को मतदान की शपथ दिलाई जा चुकी है, इस बार उनका लक्ष्य 75% मतदान का है।